हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? मैं यहाँ ठीक हूँ। आई होप आप सब लोग भी ठीक ठाक हो गए। तो आज है मंडे का दिन और सुबह के बज चुके हैं 11। मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है, काफ़ी काम हो चुके हैं, क्लीनिंग बाकी है और किचन में थोड़ा थोड़ा काम किया है। और कल मैंने कुछ ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाया था, थोड़ा ब्लॉग बनाया था, तो वो मैं डाल दूँगी इसी ब्लॉग में आज मंडे को, क्योंकि अभी मैं एडिटिंग कर रही थी। फिर मैं किचन में दिखा देती हूँ आज किचन में मैं क्या क्या कर रही हूँ। ठीक है, चलते हैं किचन में। तो क्या गर्मी, अभी बारिश पूरी तरह सही तरह स्टार्ट नहीं हुई है, इसकी वजह से तो किचन में मैंने काफ़ी काम कर दिए हैं जी। यहाँ सबसे पहले देखिए, जो मैं लोकल वेंडर से लेके आई थी स्टैंड, बहुत ही सुंदर लगा है। और मैंने इसमें रोज़मर्रा की चीज़ें रख दी हैं जो रूटीन में यूज़ करता है मेरा बेटा, पीनट्स और पीनट बटर, कॉफ़ी और ये नट्स और उसका ये सारा सामान यहाँ पे पड़ा है, तो ये उसका अलग ही रहेगा, इसलिए मैं इसको लेके आई थी। ये बहुत ही काम आते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, तो इसकी वजह से। और इतना चीप भी मिला है मुझे, 150 बोल के 120 रुपीज़ का मिला है, बहुत ही अच्छा है। कितना कुछ आ गया देखिए सामान इसमें। तो आज देखिए, मैंने छोले जो बॉयल करके रखे थे थोड़े इसमें बड़े हुए हैं, और यहाँ पे मैंने भिंडी काटी है, सिंपल भिंडी लंबी। बारिश चालू हो गई है अभी यहाँ पे, तो भिंडी मैं ऐसे ही कट करती हूँ कि पता लगता रहे कीड़े का। ठीक है, बड़ा प्याज एक कटा है, दो हरी मिर्च इसको बना लूँगी। यहाँ पे टमाटर हैं, प्याज, लहसुन, अदरक और एक हरी मिर्च, ये मसाला बना रही हूँ मैं छोले के लिए। तो ये सब है, साथ में बनाऊँगी फुलके। और यहाँ पे देखिए गोखरू का पानी है, ये बहुत ही अच्छा किडनी क्लीनर होता है, इसके बारे में विस्तार से मैं बताऊँगी। इसको मैंने बॉयल कर लिया है, आज का दिन ये भी खाएंगे। तो आज है संडे, गई थी मैं मार्केट में, तो सामान लेके आई हूँ ये देखिए आज। तो क्या क्या, हाँ जी, तो क्या क्या आया है मार्केट से आज संडे की शॉपिंग में, मैं दिखा रही हूँ आपको। इसमें है बहुत सारी सब्जियाँ, ये देखिए यहाँ पे ये सब सामान आया है। ये डेयरी प्रोडक्ट है, ये दूध है और ये पनीर है और दही है, और यहाँ पे हैं भुट्टे, घिया, पेठा, और यहाँ पे है भिंडी, कैरेट, क्लस्टर बीन्स, और यहाँ पे है टमाटो, यहाँ पे है मिर्च। तो ये सारा सामान आ चुका है घर पे। तो आज मैं एक शोकेस लेके आई हूँ लोकल मार्केट से, और एक मैं लेके आई हूँ स्टैंड। तो किसी भी चीज़ में काम आ सकता है ये, बहुत ही बढ़िया स्टैंड है। लोकल मार्केट से ऐसी चीज़ें मिलती हैं, ये देखिए। तो ये मैं जब भी फिट करूँगी तो आपको दिखा दूँगी, जब मैं लगाऊँगी तब मैं आपको दिखा दूँगी, अभी ऐसे रख देती हूँ। तो ये लेके आई हूँ मैं, उनकी चीज़ें मैं लाती रहती हूँ। और ये है जी लौकी, लौकी तो आनी आनी है। तो बाजू में रिलायंस था तो मिल्क, काओ मिल्क, और यहाँ पे हैं देखिए भुट्टे। यहाँ पे मैं लाई हूँ भुट्टे लाई हूँ 3-4। और देखिए बारिश आ गई है, अभी ड्राई फ्रूट लड्डू वगैरह बनेंगे, तो मैं कोकोनट लेके आई हूँ। तो इस मौसम में बहुत सारे कोकोनट आ जाते हैं यहाँ मार्केट में, तो ये लेके आई हूँ मैं। तो ये पनीर भी आया है दूध के साथ में। तो टमाटो आए हैं, टमाटर अभी महंगे हो गए हैं, टमाटर हो गए 7 रुपये केजी, तो एकदम से बढ़ गए हैं। और ये है बैठा कद्दू, इसमें गाजर और क्लस्टर बीन्स यानी गवार की फली, इसमें 1/4 किलो भिंडी है, और यहाँ पे दही भी है, और यहाँ पे ग्रीन चिल्ली। बस इतना सामान आया है आज मार्केट से, तो ये आपको दिखा दिया मैंने। दिन में मैंने अखरोट निकाले थे गिरी, ये ब्लैक वाली भी है बीच में, लेकिन ये मीठी हैं,
ज़्यादा ख़राब कभी निकलती नहीं है, एकदम अच्छे निकलते हैं, तो इसको ये डब्बे में डाल। तो हाँ जी, बीच में मैंने ये संडे का ब्लॉग था कल शाम का, वो डाल दिया है। तो अभी मंडे मॉर्निंग का मैं आपको बता रही हूँ। अभी मैं देखिए भिंडी काटी थी, तो अभी मैंने ऑयल गरम कर लिया है। तो यहाँ पे ये सिंपल भिंडी बना रही हूँ, लंबे लंबे प्याज काटे, लंबी लंबी मिर्च काटी है, और मैंने भिंडी को भी ऐसे ही कट किया है। इसको एकदम सिंपल बनाती हूँ, थोड़ा हल्दी मिर्च के साथ में, हरी मिर्च के साथ में एकदम अच्छे से फ्राई करके भिंडी को बना लूँगी। तो भिंडी को बहुत ही तरीके से मैंने बनाया है, और हर रेसिपी मैंने डाली हुई है, बहुत सारी रेसिपीज अभी बाकी भी हैं। तो आप मेरी भिंडी की रेसिपी बहुत देख सकते हैं, भिंडी दो प्याज़ा, सिंपल भिंडी, भिंडी फ्राई, लहसुनिया भिंडी, भर के भिंडी और बेसन वाली भिंडी, बहुत तरीके की भिंडी मैंने बना के डाली हुई है चैनल पे। जो भी रेसिपी चाहिए आप जाके देख सकते हैं, और बहुत विस्तार से बताती हूँ मैं मसाले भी। आशा करती हूँ मेरे ब्लॉग पे आते हैं तो आप मेरा ब्लॉग पूरा देखेंगे, और मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं ये आप तो मुझे वैसे तो बता ही रहे हैं, आप कमेंट करेंगे तो मेरा हौसला और भी बढ़ेगा, और मैं अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके सामने लाती रहूँगी। यहाँ पे मैं बना रही हूँ काले छोले। तो ब्लैक चने मैंने चाट के लिए बॉयल किए थे, लेकिन आज मैं उस थोड़े बचे थे तो उसकी सब्ज़ी बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने ज़ीरा डाल दिया है, थोड़ा सा हींग डाल दिया है, और अभी डाल दूँगी प्याज की पेस्ट। प्याज लहसुन और अदरक को पेस्ट करके डाल दिया है मैंने, और इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। ये रेसिपी भी मेरे चैनल पे है छोले मसाला करके, तो आप देख सकते हैं जाके। हाँ जी, रोज़मर्रा में आने वाली जो सब्ज़ियाँ हैं वो तो मैं डालती ही हूँ, लेकिन स्पेशल शाही सब्ज़ियाँ भी मैंने काफ़ी सारी डाले हुए हैं, तो आप देखें ज़रूर प्लीज़। और मैंने डाइट फूड बहुत ही डाले हुए हैं, डाइट फूड में आप देख के जा सकते हैं, आपकी सेहत से भरपूर खाने मैंने डाले हुए हैं, ओट्स की रेसिपीज़ डाली हुई, डोसे डाले हुए हैं, तो आप चेकआउट करें ज़रूर, और मेरी रेसिपीज़ को देखें, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं और भी अच्छी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक के साथ बहुत सारी रेसिपीज़ डालूँगी, बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर करती रहूँगी। जल्दी ही मेरे न्यू ब्लॉग में आपको ब्यूटी टिप्स और हेल्थ टिप्स भी देखने को मिलेंगे, तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। तो देखिए भिंडी और छोले दोनों में तड़का लग चुका है, यहाँ पे भिंडी तो मेरी बन भी चुकी है, और भिंडी को बनने के बाद थोड़ी देर खुला रखें वरना ये सौगी हो सकती है। तो यहाँ पे छोले तड़का लग चुका है, और इसमें मैंने पानी डाल दिया, ये भी पक जाएंगे। और मेरी वीडियो को फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए प्लीज़। हाँ, तो देखिए सब्जी और छोले दोनों बन चुके हैं, थोड़ा सा रायता या लस्सी बना लूँगी मैं, और साथ में फुलके, और थोड़े से राइस बनाऊंगी बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी। और देखिए कितना पसीना आ गया, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो अब ब्लॉग की एंडिंग करती हूँ, आई होप आप सबको ये ब्लॉग पसंद आएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से बाय बाय। और ये छोटा सा ब्लॉग था, और अभी ऐसे ही ब्लॉग आएंगे क्योंकि मुझे लाइव करना होता है। ओके, बाय बाय, थैंक यू।